लोकसभा चुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले सार्वजनिक दौरे पर नजर आए। नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 के समापन सत्र में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। कार्यक्रम में संघ प्रमुख सहित महंत गुरुवर्य, रामगिरी जी महाराज, वर्ग के सर्वाधिकारी सरदार इकबाल सिंह मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2022-23 की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जयपुर के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बच्चों से आत्मीय भेंट की, साथ ही उनका उत्साहवर्धन करते हुए सभी को उज्ज्वल भविष्य की मंगलमय शुभकामनाएं। जयपुर में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के पेंशनर्स महासंघ और राजस्थान यूनिवर्सिटी पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों की संयुक्त बैठक हुई। आरयू के गेस्ट हाउस में हुई इस बैठक में पेंशनर्स ने राज्य सरकार से पेंशन की मांग की। प्रोफेसर एचएस शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार से पेंशन की मांग है जो नहीं मिल पा रही। जब प्रोफेसर रिटायर होते हैं तो उन्हें पेंशन दी जाती है, लेकिन हमें नहीं मिल रही। वहीं आरयू की वीसी अल्पना कटेजा को इस संबंध में पत्र भी सौंपा गया। कटेजा ने कहा कि इसको लेकर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी का जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान में जो गवर्नमेंट से फंडेड हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभी मेंबर्स की आज यहां पर बैठक हुई है। और हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि काफ़ी लंबे समय से विश्वविद्यालयों के अंदर पेंशन की स्थिति बहुत ख़राब है। पेंशन स्कीम राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई और राज्य सरकार ने बाद में एक आदेश निकाल करके कहा कि पेंशन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों की है, जबकि जो आदेश निकाला उस आदेश में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। पांचों कृषि विश्वविद्यालय वित्त पोषित हैं राज्य सरकार द्वारा, तो उन कृषि विश्वविद्यालयों की समस्या वर्तमान में बहुत ज़्यादा ख़राब है। वर्तमान में उनको पेंशन पेमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन वो आधी अधूरी पेंशन मिल रही है, किसी को भी पूरी पेंशन नहीं मिल रही है। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में बहुत तेज़ी से प्रोफेसर्स और जो टीचर्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उससे पेंशन का बोझ बहुत बढ़ रहा है। जबकि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में इस तरीके से कोई रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं होने के कारण बजट डेफिसिट हो रहा है और स्थिति ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो उन पर खर्च करने के बजाय हमारे यहाँ पर बजट सारे डेफिसिट हैं। तो अगर सैलरी का पार्ट मानते हुए राज्य सरकार इसको पेंशन को देना स्वीकार करे सभी विश्वविद्यालयों को, तो डेफिनेटली सभी विश्वविद्यालयों में स्थिति बहुत बेहतर होगी। 21 जून को मनाए जाने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला स्तरीय योग सप्ताह की तैयारियों को लेकर कलेक्टर के निर्देशों में जिला परिषद सभागार में CEO कीर्ति राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में योग दिवस कार्यक्रम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। इस साल योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण रखी गई। आयोजन के तहत गांधी ग्राउंड में प्रस्तावित जिला स्तरीय कार्यक्रम में 3 स्टेज पर महिला योग प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां बॉर्डर के नजदीक समीचा पुलिस ने 3 किलो हेरोइन सहित पकड़े गए 3 तस्करों से पूछताछ में तस्कर दलबीर सिंह उर्फ काला सिंह ने हेरोइन तस्करी का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने तस्कर महिला परमजीत कौर और पम्मी निवासी को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला तस्कर अपने पति के साथ पाकिस्तान में बैठे तस्करों से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप मंगवा रहे थे। अब तक तस्करों के कब्जे से 6 किलो हेरोइन की बरामदगी हो चुकी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 करोड़ रुपए। डूंगरपुर में सदर थाना क्षेत्र के मातू गामड़ा गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर हुए विवाद में अपनों ने ही अपने का खून बहा दिया। कुटुंब के लोगों ने विवाद के बाद लात घूंसे और पत्थर से मारपीट कर एक युवक की हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव के लिए आई मृतका की मां और भाई के साथ भी मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुश्तैनी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर झगड़ा हुआ। वहीं गंभीर घायल हेमेंद्र को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मातुगामड़ा में जमीन विवाद को लेकर
बादल थी, उसके परिवार उन्होंने ही मारपीट कर दी थी। अस्पताल में श्रीमान एमओ साहब ने पर घोषित कर दिया, जिसकी लाश को मोर्चरी में लगवाया गया है। रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है, अनुसंधान जारी। आगे बढ़ते हैं। बूंदी के नरसिंहपुर गांव में राजेंद्र गुर्जर की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मृतक राजेंद्र की पत्नी ममता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। मृतक के परिजनों ने बताया कि पत्नी ममता के पास एक व्यक्ति मिलने आता था, जिसे लेकर पति पत्नी दोनों में अनबन चल रही थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि नरसिंहपुर गाँव में राजेंद्र गुर्जर की सोते वक्त कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस की कड़ाई से पूछताछ करने और सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने पति की हत्या का षड्यंत्र रचने वाली पत्नी को गिरफ्तार किया। पत्नी से बाद में हमने अनुसंधान किया, पूछताछ की, तो उसने ये बताया कि भाई मुझे वो बहुत परेशान करता था और मैं उसके तंग हो चुकी थी और मैंने रात्रि को यह कदम उठाया, जिससे मैंने कुल्हाड़ी से वार किया और मैंने मेरे पति की हत्या कर दी और उसके कानों में जो सोने की मुर्की पहने हुए थे वो भी छीन ली, उतार ली और छुपा दी। उसके पैसे थे वो भी उसने छुपा लिए। और बात करते हैं बूंदी के वासनी गांव में कोटा पुलिस पर फायरिंग मामले की, जिसमें पुलिस और प्रशासन ने आरोपी हिस्ट्री शीटर के 20 बीघा की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी रामराज के कच्चे और पक्के निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। DYSP घनश्याम मीणा के मुताबिक कोटा पुलिस आरोपी रामराज को किसी प्रकरण में गिरफ्तार करने हिंटोली के बासनी गांव पहुंची थी, तभी वो पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गया। रामराज के खिलाफ करीबन 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कार्रवाई कर चारागाह भूमि को पंचायत और सिवायचक भूमि को राजस्व विभाग और वन विभाग की भूमि को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। रामराज पुत्र श्री पांचुराम मीणा, उम्र 50 वर्ष, इसके खिलाफ हिंडोली थाने में 16 मुकदमे पंजीबद्ध हैं। ये चोरी करने, ट्रकों को उठाने, मोटरसाइकिल चुराने, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जमीन पर कब्जा करने, मर्डर आदि के गंभीर आरोप इसके ऊपर ऐसे संगीन मुकदमे हैं। चरागाह और फॉरेस्ट की जमीन है, सिवायचक भूमि है, वहाँ जाकर इसने अपना अड्डा बनाया और चरागाह भूमि पर, फॉरेस्ट की जमीन पर, आसपास पहाड़ी इलाके पर अवैध रूप से कब्जा करके इसने अपने ट्रैक्टर JCB वगैरह लगाकर अवैध रूप से कारोबार चलाया। इंडोली तहसील के उमर, जो ग्राम पंचायत के उमर गांव में हमने आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। वहां पे एक जो अतिक्रमी हैं रामराज मीणा, जो कि एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे हैं, वो लंबित चल रहे हैं। तो उसने वहाँ पर उमर ग्राम पंचायत में, उमर गांव में, वहाँ पे एक चरागाह भूमि, शिवाईचक और बिन विभाग की तीनों जो भूमियाँ हैं वो एक साथ हैं। वहाँ पे लगभग 200 बीघा जो भूमि है उस पर वहाँ पे उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। राजसमंद के धोईदा निवासी मोहिनी देवी ने फाइनेंस कंपनी चोला मंडलम पर धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से मकान सीज करने का आरोप लगाया। सामाजिक संगठन युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। मोहिनी देवी ने बताया कि उसने मकान बनाने के लिए 2015 में सुरेश कुमावत से जमीन खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम से है, लेकिन सुरेश कुमावत ने फर्जी तरीके से चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी से लोन लिया, जिसका पैसा नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी के लोग तगाजा करने के लिए उसके घर आए। जब उसे फर्जीवाड़े का पता चला, कंपनी ने मकान को सीज कर दिया। इसके बाद से महिला बेघर है। महिला ने राजनगर थाने पर सुरेश कुमावत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पुरोहित ने कहा कि पीड़ित महिला का ना तो पति है और ना ही बेटा है, पीड़ित को न्याय की दरकार है। मकान खुला हो, ताला खुला हो, 15-22 दिन से मैं बाहर ही खड़ी हूँ और रजिस्ट्री हमारी पक्की है और वो लोन चोला मंडल वाला लोन लिया, मेरे को मालूम ही नहीं। 2015 में हम प्लॉट खरीदिया, सुरेश कुमावत से खरीदिया 2015 में, और वो लोन लिया चोला मंडल वाला हमको मालूम ही नहीं। 2017 में हम थोड़ी मालूम पड़ी थी, जिससे ये मकान ये जो भूखंड लिया उसने, अभी पता चला कि उसने उस पर लोन ले लिया,
इनकी रजिस्ट्री होने के बाद उन्होंने मकान बनाया, उसके बाद में उन्होंने लोन ले लिया। ये लोन चोलामंडल फाइनेंस कंपनी के द्वारा दिया गया और इसमें मकान मालिक कोई दूसरा है और पूर्व जो मकान मालिक है उसने इसके ऊपर लोन ले लिया। और ये बिल्कुल जो पीड़िता है मोहिनी देवी पालीवाल, ये बिल्कुल निर्दोष है और चोलामंडल बैंक फाइनेंस कंपनी ने उसके जो अभियुक्त है उसके साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी कर ये 400 BC करके इस पीड़ित महिला को ये मकान सीज कर दिया। प्रदेश में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के ट्रांसफर के लिए प्रस्तावित पॉलिसी पर चर्चा के लिए बुलाई गई कर्मचारी संगठनों की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। स्वास्थ्य निदेशालय में निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सेवारत चिकित्सक संघ, रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियन, अलग अलग नर्सिंग एसोसिएशन, रेडियोग्राफर एसोसिएशन, ANM एसोसिएशन, लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पॉलिसी के ड्राफ्ट को लेकर PPT प्रेजेंटेशन हुआ। इस दौरान सेवारत चिकित्सक संघ समेत सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने यह कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया कि ड्राफ्ट फाइनल करने के बाद विभाग को कर्मचारियों की याद आई है। हमने सुझाव दिया है कि कैडर लागू किया जाए, उसके बाद में चिकित्सकों का चिकित्सा ट्रांसफर पॉलिसी हो। हमने ये भी सुझाव दिया है कि इसमें जो पद सर्जित नहीं है PCMO को, वो पद भी सर्जित किया जाए ताकि चिकित्सकों को जो हाईएस्ट ग्रेड पे चले गए हैं उनका मान मर्दन नहीं हो, इस प्रकार की स्थिति को किया जाए। इसके अलावा हमने ये भी जोड़ा है कि अशुद्ध रोगों के लिए जो बच्चों की जो परेशानी है कि जिन कर्मचारियों के अधिकारियों के बच्चे जो है वो असाध्य रोग से पीड़ित है उनको भी प्राथमिकता में शामिल किया जाए। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब है कि उन संस्थानों पर आज भी 2008 का जो कार्यभार था उसी के अनुरूप वहाँ पर पदों का सृजन किया हुआ है। आज 2024 चल रहा है, जाँचों की संख्या कम से कम 100 गुना ज़्यादा हो गई, आज मरीजों का भार वहाँ पर 5 से 6 गुना तक ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन बड़ी सोचने की बात है कि आपका स्टाफिंग पैटर्न चेंज नहीं हुआ आपसे और आपने ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी। आज सबसे बड़ी बात यह है कि उन संस्थानों पर जब आप पद ही नहीं है तो आप किसका ट्रांसफर करोगे। हमारे सभी जो साथी कर्मचारी हैं जो भी संगठन से हैं उनकी तरफ से एक राय में है कि आप इस मीटिंग को दोबारा आयोजित की जाए और प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक संगठन के एक एक डेलीगेशन से राय लेके अगर इस नीति को लागू करेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं, वरना राजस्थान में इसका घोर विरोध होगा जिसकी समय जिम्मेदारी इन प्रशासन की होगी। भारतीय सेना की तरफ से तकनीकी शाखा TS-52 में साई कमीशन के लिए सिर्फ पुरुषों के आवेदन मांगने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर जस्टिस शुभा मेहता और जस्टिस प्रवीर भटनागर की अवकाशकालीन विशेष खंडपीठ ने सुनवाई की और मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को एकल पीठ में भेज दिया। इस संबंध में अक्षिता ने याचिका में कहा कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की भर्ती निकाली गई जिसमें सिर्फ अविवाहित पुरुषों से ही आवेदन मांगे गए। सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण जनवरी माह से शुरू हो रहा है। भर्ती का विज्ञापन समानता के अधिकार के खिलाफ है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाता है, सिर्फ TS-52 को ही इससे अलग रखा गया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 19 के तहत आजीविका चुनने के अधिकार का भी हनन कर रहा है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि याचिका में जो बिंदु उठाए गए हैं उनकी सुनवाई का अधिकार एकल पीठ को है, याचिका में किसी कानूनी अनियमितता को चुनौती नहीं दी गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 17 साल पहले 2 छात्र गुटों में मारपीट और 14 साल पहले हंगामे और उपद्रव से जुड़े 2 प्रकरण जज नीति वर्मा ने तत्कालीन छात्र नेता और लाडनू से MLA मुकेश भाकर, सुमेर सिंह, प्रदीप बिश्नोई, राजेश चंद्रशेखर, योगेश शर्मा और राजेंद्र तिवारी को बरी कर दिया है। छात्र आंदोलन को लेकर मुख्य कुलानुशासक ने 23 जुलाई 2010 को और झगड़े को लेकर छात्र उधम सिंह ने 9 सितंबर 2007 को दर्ज करवाए थे मुकदमे। गांधीनगर पुलिस ने दोनों मुकदमों में 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश किया था चालान। एडवोकेट रविंद्र गजराज, जितेंद्र भाकर और मनीष यादव ने की आरोपियों की पैरवी। दोनों ही मामलों में पुलिस ने एक भी स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी को नहीं करवाया था परीक्षित। आरोपियों ने ना तो टायर जलाकर रास्ता अवरुद्ध किए और ना ही भवनों के ताले लगाकर किए थे बंद। विवेकानंद और कृष्णा छात्रावास के छात्रों के बीच हुए झगड़े में भी आरोपी शामिल नहीं थे। अभियोजन पक्ष दोनों ही मामलों में आरोपी को संदेह से परे प्रमाणित करने से सफल नहीं हुआ।
सरोई के माउंट आबू में दिनभर की गर्मी के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए। माउंट आबू में ऐतिहासिक नक्की झील पर काले बादल छाने के बाद रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। सुहाने मौसम में पर्यटकों को गर्मी से राहत मिली। पर्यटकों को राजस्थान में कश्मीर जैसा एहसास हुआ। लोगों ने घरों और होटल से निकलकर पहाड़ों का रुख किया। जोधपुर में चोरों ने प्रतापनगर थाना इलाके में करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया। चोर व्यापारी के घर से 1 किलो सोने के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना पर डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार और एडीसीपी निशांत भारद्वाज समेत दूसरे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एडीसीपी निशांत भारद्वाज ने बताया कि प्रतापनगर के गणपति नगर में रहने वाले मदनलाल मुंदड़ा का परिवार जयपुर गया था। सोमवार को जब घरवाले लौटे तो दरवाजा टूटा मिला और अंदर से सामान गायब था। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी में चोरों का सुराग मिला है, जिसके आधार पर जल्द चोरों की गिरफ्तारी हो सकती है। मुंदड़ा जी का परिवार जो कि शुक्रवार को जयपुर किसी काम से गया हुआ था, किसी रिश्तेदार नातेदार की बात गए हुए, और जब ये रविवार को वापस लौटे रात को, रविवार की यानी सुबह हो जाती है, तो उन्होंने देखा कि कमरों के कुछ ताले टूटे हुए हैं, गेट का ताला टूटा हुआ है और काफ़ी हद तक सामान गया हुआ है। जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंची है। मौके की तस्दीक की जा रही है और मुलजिमों की पहचान की जा रही है। सिरोही में बारीघाटा फोरलेन हाईवे पर ट्रेलर की टक्कर से पुलिसकर्मी प्रवीण कुमार मीणा की मौत के मामले में कांस्टेबल के पार्थिव देह को पुलिस लाइन लाया गया। पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर एसपी अनिल कुमार बेनीवाल, एडिशनल एसपी प्रभुदयाल धानिया ने पुष्प चक्र अर्पित किया। वहीं सिरोही डीएसपी मुकेश चौधरी, थानाधिकारी कैलाश लक्ष्मण सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने कांस्टेबल प्रवीण कुमार मीणा को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव देह को पैतृक गांव कोदरला ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में परिजन और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पिंडवाड़ा की तरफ से आ रहे थे और तभी एक ट्रक, ये जो अपना बारीघाटा पड़ता है उस मोड़ के ऊपर एक ट्रक के साथ उनकी भिड़ंत हो गई और उसके अंदर उनकी जान की क्षति हुई है। और वो जो ट्रक था जिसने टक्कर मारी थी उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है। अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।